हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, क्योंकि मैं बता देता हूँ जो भी नहीं अब देख रहा है वीडियो फर्स्ट टाइम मेरा, तो मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरे को पसंद है वो वीडियो बनाना, क्योंकि ठीक है किसी का कोई पसंद होता है। पर मैं ITR में पढ़ता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो भी वीडियो देखा है मेरा पहले, तो उसमें क्या है ना, लोगों को ITR के बारे में बहुत सारा चीज़ पता नहीं है। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कि ITR में होता है क्या, है एडमिशन क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ है जो मैं अभी दिखाने बोलने वाला हूँ। तो बहुत लोगों ने मतलब वही वाला क्वेरी रखा था, क्योंकि मैं एक वीडियो बना था जो मैं हॉस्टल एंटर किया था, एक शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया था कि रूम ऐसा होता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट दिया था, मतलब व्यूज़ भी आया था, तो मैंने सोचा लोगों को जानना चाहिए, तो इसीलिए वीडियो बना लेते हैं। एक वीडियो मैं छोटा बना के दिया कि ये होता है वो होता है। उसके बाद भी लोगों को बहुत सारा क्यूरियोसिटी था बाकी सब चीज़ पूछने में, कमेंट आया। मैं कमेंट अभी पढ़ के बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कमेंट बेसिस में ही वीडियो बनाने वाला था कि कमेंट क्या क्या आया, लोगों को क्या क्या जानकारी चाहिए। तो ठीक है, ये वीडियो में इतना ही जानने वाला हूँ। और मैं ITR में MCA कर रहा हूँ, जो कि मेरे बारे में है। मैं ITR में MCA कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट ईयर कम्प्लीट होने वाला है, सेकेंड सेम चल रहा है मेरा। और बाकी सब जो भी चीज़ चाहिए आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, बाकी ये वीडियो में जितना कवर हो सकता है हो जाएगा। और कुछ भी क्वेरी हो सकता है आप लोगों से तो मैं बना के वीडियो दे दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग करता हूँ, बल ज़्यादा नहीं करता पर मेरे को पसंद है, पर आप लोगों का नीड है तो मैं फुलफिल कर सकता हूँ भाई। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बाकी सब मैं बता रहा हूँ वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक एक करके कमेंट पढ़ रहा हूँ और जो भी कमेंट में आएगा उसका रिप्लाई दे रहा हूँ, आप लोग सुन लेना। एक भैया बोले हैं, भैया प्लीज़ टेल अस अबाउट प्लेसमेंट एंड फैकल्टी एवरेज पैकेज एंड रिक्रूटर हु कैन हु कम प्लेस भैया। ओके ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, पहले बोले कि प्लेसमेंट के बारे में बताओ, तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको भरोसा है होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं है। कॉलेज का 95% है जो एवरेज है, कि ये 95% प्लेसमेंट डेटा है। बहुत मतलब 99 बोलते हैं, मैं बोल देता हूँ 95, क्योंकि कुछ कुछ बंदे बाहर से भी प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो उसी के वजह से इसको 95 में बोल रहा हूँ। तो प्लेसमेंट के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट के बारे में जो पूछ रहे हो ना, मेरे को जितना समझ में उतना बता दे रहा हूँ भाई। सीधी बात है, आप अगर पढ़ोगे नहीं, अगर आप स्कोर करोगे नहीं, अच्छे मार्क्स लाओगे नहीं सेमिस्टर में, तो आपको कौन प्लेसमेंट में बिठाएगा भाई। सीधी बात है, क्यों बैठाएगा? क्योंकि ये इनका दिक्कत वो नहीं है, मतलब कॉलेज वाले का वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो आता है कंपनी कॉलेज में, जो लेने के लिए आता है रिक्रूटर, वो क्यों लेगा आपको? वो फोकट में थोड़ी ना पैसा देगा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, जिसको ख़राब लगेगा वो मेरा गलती नहीं है, आपको समझा दे रहा हूँ कि ये रियल थिंग है। कि आप अगर अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा नॉलेज होगे आपके पास, तो आपको कंपनी आके बोलेगी कि हाँ मेरे साथ चल, आपका आंसर देना, क्वालिटी देखेगा, आपका मार्क्स देखेगा, इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी तो मिलेगा ना जॉब। और प्राइवेट क्यों तुमको लेगा, खुद सोचो। एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब घर में कुछ किसी को काम में लगाते हो, वो अगर काम नहीं करेगा, आप थोड़ा ना उसको पैसा दोगे या उसको नेक्स्ट टाइम बुलाओगे? नहीं ना, सीधी बात है, हम भी उन्हीं के लिए वर्कर हैं। और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से मार्क्स लाओगे और अच्छा इंप्रेशन होगा कॉलेज में, तो आपको इंटरव्यू में बैठा जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो तो जॉब मिल जाएगा। और जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ कितना परसेंटाइल है कॉलेज में, 95% 99 तक है कि कॉलेज दे सकता है, मतलब प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ, ठीक है। और एवरेज पैकेज के बारे में अगर बात करें, तो 6 से 8 LPA है जो कि एवरेज है कॉलेज का। और अभी हाइस्ट में सुना हूँ 45 LPA हाइस्ट गया है, ठीक है, एक दीदी लेके आ गए हैं 45 LPA। तो ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं, बहुत सारे पैकेज है भाई। नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, जितना काम कर सकते हो उतना पैसा आपको फेंकेगा कंपनी, ठीक है, ये एक चीज़ है। बाकी रहा रिक्रूटर कौन कौन आते हैं, बहुत सारी चीज़ आते हैं, लाइक TCS आता है, विप्रो आता है। ये TCS और विप्रो ना ज़्यादा लेते हैं कॉलेज से हम लोगों का। अभी Adobe आता है, अभी लास्ट टाइम Adobe आया, बहुत सारे लड़कियाँ लेके गया है, क्योंकि उनको फ्रंट ऑफिस में काम था, कॉल वाला, कंसल्टिंग वाला। तो सब आते हैं, टेक महिंद्रा आता है, लाइक लगभग आपको पास 50-60 कंपनी मतलब आपको बैठाने के लिए दे सकते हैं। और कॉलेज दावा करता है कि लाइक 125 कंपनीज आते हैं कॉलेज एक हर साल, और आते भी हैं, पर आपका मार्क्स बेसिस में और आपका सिलेक्शन बेसिस में आपको बैठाएगा कौन कौन कंपनी में। आप बैठ सकते हो बहुत सारा कंपनी में, बस आप अच्छे से पढ़ो भाई, उसके बाद मिलेगा जरूर। मैं ये बात बोल के जा रहा हूँ कि आप अगर पढ़ के जा रहे हो ना, आपको मिल सकता है। आप नहीं पढ़ के जा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। और बाकी पढ़ाई के बारे में जो पूछ रहे हैं कि भैया पढ़ाई कैसे होता है, भाई मैं सीधी बात बताता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप अगर नहीं पढ़ोगे तो 0 मार्क्स दे देंगे, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मार्क्स देने के लिए वो बैठे नहीं है, फ्री में नहीं देंगे,
ये उनका रूल है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाएंगे और मार्क आपका अकॉर्डिंग जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छे से मार्क लाओगे। टीचर बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल टीचर हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, वेल मैनेज टीचर हैं। ऐसा कोई नहीं कि गाली देगा, गुस्सा देगा, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे आंसर देंगे वो लोग। और ठीक है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना क्योंकि टीचर लोग हैं, ताकि एडमिशन ले सकते हो। मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इसलिए। भाई सीधी बात है, कॉलेज का हॉस्टल बकवास है, पर कॉलेज का हॉस्टल मतलब जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, बहुत अच्छा है इनका, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और एक भैया बोल रहे हैं, और एक भैया पूछे हैं कि पूरा कैंपस का टूर दो। ठीक है भाई, मैं उसका लिए वीडियो बना दूंगा, पर अभी मेरा एग्जाम चल रहा था तो अभी खत्म हुआ है, थोड़ा टाइम दे के बनाता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारे लोग देखते हैं कैंपस का वीडियो बनाने में, थोड़ा समझ रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना दूंगा, बाकी थोड़ा टाइम दो, मैं अच्छे से वीडियो बना के दे दूंगा कैंपस का। ओके, टूर दे दूंगा भाई। मेला, ओ इसके छोड़ दो, इनके छोड़ दो। कैन आई गेट अ सी सी ब्रांच इन सुहा यूनिवर्सिटी, हाई स्कोर 70.5% जेईई। भाई मेरे को जेईई मेन के बारे में पता नहीं कि जेईई मेन देने के बाद यहाँ देते हैं कि नहीं, पर ये पता है कि आईटीआर का एक रूल है, 60 एग्जाम देके एंट्री कर सकते हो इजिली, उनका रूल है। जेईई मेन की भी हो सकता है, आप थोड़ा कॉलेज का साइड है वहाँ जाके नंबर मिल जाएगा, आप बातचीत कर सकते हो वहाँ से जाके। पर हाँ, आप अगर 60 में अच्छे स्कोर कर रहे हो आपको मिलेगा, और जो भी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कॉलेज है थोड़ा फीस तो ज़्यादा लेता है, तो आपको ये कॉन्सेशन देगा कि आप अच्छे स्कोर करोगे तो 60 में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है, बस आपको एंट्री के लिए 60 एग्जाम होता है। क्योंकि मैं बोल देता हूँ भाई, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है और आप सोचोगे कि ये वेट वेट इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है और आप सोचोगे कि ये आपको कुछ देगा कॉन्सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देता है भाई। आपको मार्क्स इसीलिए लाते हो कि एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, नॉर्मल कॉलेज नहीं है। यूनिवर्सिटी को एंट्री करने के लिए ऐसा हर एक कॉलेज में एग्जाम होता है, कीट में काइट होता है, आईटीआर में 100 60 होता है, ये 100 है ना 60 होता है, तो इस टाइप का एग्जाम होता है। ठीक है, आगे 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 वीडियो कौन क्या बोला है भाई, भाई आईटीआर में क्रिकेट होता है कि या नहीं? भाई सीधी बात है, ये जो मेरा जो कैंपस है ये एक इंजीनियरिंग कैंपस है, इंजीनियरिंग कैंपस में आपको कुछ भी खेलने के लिए कुछ चीज़ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कॉलेज की तरफ से, कुछ फंक्शन वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि सीधी बात है यहाँ बहुत प्लेसमेंट ओरिएंटेड बंदे आते हैं, यहाँ वो सब आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप फोकस नहीं रह पाओगे ये सब चीज़ से, और झगड़ा वगड़ा होने के चांसेस भी होता है, इसीलिए वो सब बंद किया हुआ है कैंपस में, क्योंकि वो दूसरे कैंपस में होता है, जो कैंपस 2 है ना वहाँ होता है सब। आप खेलने के लिए जा सकते हो वहाँ तक, क्योंकि वो थोड़ा लाइक 2 किलोमीटर्स होगा यहाँ से, जा सकते हो खेलने के लिए, पसंद है तो आप जा सकते हो वहाँ तक। एक भैया बोलेंगे भाई मैं आईटीआर में एडमिशन ले रहा हूँ और आपने बोला हॉस्टल से बेटर पीजी। हाँ ठीक है भाई, मैं बोला था, क्योंकि भाई सीधी बात है हॉस्टल में बहुत टाइम फॉरन चले जाता है, तो ये लोग डीजी नहीं देते भाई, 90 हज़ार दे के आ रहे हैं और डीजी नहीं दे रहे, कौन बोलेगा कि हॉस्टल अच्छा है? सीधी बात है ना, और खाना ना सीधी बात है बकवास है भाई, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है भाई, 90 हज़ार देने के बाद कोई अगर अच्छा खाना नहीं मिल रहा है बुरा तो लगेगा, मेरे को बुरा लग रहा है, मैं बोल दिया, क्योंकि भाई खाना खराब है यहाँ का, इतना भी अच्छा नहीं है, घटिया नहीं है, पर हाँ 2 डेज चिकन देते हैं, 2 डेज मछली देते हैं, 3 डेज चिकन, 2 डेज मछली और 2 डे एग देते हैं, और भेज के लिए बाकी जो 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 दिन चिकन वगैरह कुछ मछली वगैरह होता है उस दिन आपको पनीर मिल जाएगा, ये खाने का है हॉस्टल का। ठीक है भाई, टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं है हॉस्टल का, मैनेजमेंट ये है कि आप मतलब एंट्री नहीं कर सकते हो 8 बजे के बाद, मतलब 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हो खाना लेने के लिए, और एंट्री ना 9 बजे के बाद, अगर 3 दिन हो गया तो आपको घर में कॉल चला जाएगा, बहुत खराब लगता है भाई। ठीक है, लड़कियों के लिए वो रूल होना चाहिए, पर लड़कों के लिए इतना रूल करोगे तो हाँ हॉस्टल में रहने का पसंद होगा, मैं तो छोड़ रहा हूँ इस साल। और पीजी का अगर वीडियो बोल रहे हो तो हाँ, कॉलेज के बाहर बहुत सारे रूम है, आप आके बात करके ले सकते हो। पीजी का वीडियो किया बनाऊँ? हाँ, जब मैं लेने वाला हूँ पीजी, तो मैं जब जाऊंगा बाहर वीडियो बना के दिखा दूंगा कैसे क्या होता है, कैसे बात करना होता है, आप सबको वीडियो में दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। एक भैया बोले इंग्लिश आना जरूरी है क्या एडमिशन लेने? ऐसा कुछ नहीं है भाई, इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, पर दिक्कत वही है ना, आपको क्लास टीचर सब इंग्लिश में ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपको वो दिक्कत हो सकता है बाद में, फ्यूचर में आप एडमिशन तो ले लोगे पर बाद में कोई प्रॉब्लम होगा, और आपको पूरा करियर इंग्लिश से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये ओडिया मीडियम तो नहीं होगा ना भैया, तो कोई दिक्कत है और कुछ नहीं है भैया। भैया आईटीआर में बॉस इज कमिंग टू खोर्धा, या शायद तक जा सकता है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में, पर जाता है क्योंकि भुवनेश्वर, पूरा भुवनेश्वर में जाता है इसका बस,
तो थोड़ा आप कॉलेज में आके बात करके जा सकते हो, अगर खुर्दा के बंदे हो तो आपको टाइम तो नहीं लगेगा यहाँ आने के लिए, भैया थोड़ा आके यहाँ बात करके चले जाओ, आपके लिए वो अच्छा होगा। मैं बताऊंगा कि आपके लिए होगा नहीं होगा, ठीक नहीं टाइमिंग फॉर आउटिंग वो बोल दिया मैंने कि लाइक 8 बजे से बाहर नहीं जा सकते हो, 9 बजे के बाद अंदर आना अलाउ नहीं है, बहुत झगड़ा करते हैं, दिक्कत होता है, ठीक है, बहुत रेस्ट्रिक्शन है, बहुत बहुत रूल होता है यहाँ, बहुत रूल है भाई। ओके, ये एवरेज प्लेसमेंट के बारे में तो बता चुका हूँ कि 6 to 8 LPA हाईएस्ट पैकेज जाता है, 45 LPA अभी तक गया है। ओके, और क्या बोलूँ भाई, भाई हॉस्टल में वाईफाई के बारे में बताओ भैया। देखो हॉस्टल में जो वाईफाई है ना 24 आवर रहता है, पर क्या होता है ना थोड़ी थोड़ी टाइम करंट चला, लाइक 2 मिनट्स, एक आधा घंटा कभी कभी भी चला जाता है, तो वो डिजी नहीं देते हैं, तो वाईफाई भी उस टाइम ऑफ हो जाता है उतना ही है। बाकी भाई सुबह शाम रात कितने भी बजे आप चलाओ वाईफाई होता है, स्पीड भी बहुत अच्छा है, स्पीड खराब नहीं है, मैं 4K में वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में लैपटॉप में, तो आपको वो दिक्कत नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हो। पर हाँ कुछ आप साइड बैन हुआ किया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ स्टडी मेटर स्टडी के लिए आए हो, तो वाईफाई स्टडी के लिए ही दिया हुआ है, तो आपको कुछ इधर उधर का चीज़ नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक साइड है, साइड ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। भाई CSE का फीस स्ट्रक्चर, मैं मेरा एक दोस्त से फीस स्ट्रक्चर लाया था, क्योंकि मैं अभी MCA कर रहा हूँ, तो CSE का फीस स्ट्रक्चर है 1.37500, लाइक 1,37,500 रुपये है पर सेमिस्टर, क्योंकि 8 सेमिस्टर होता है, तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेटरल एंट्री होता है भाई, हाँ होता है। CSE के लिए साइड एग्जाम में कितना परसेंट आप ला सकते हो, 60-70 ऊपर लाओगे तो अच्छा है आपके लिए, सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है ना भाई, आप जितना परसेंट लाओगे, कोई 90%, 98% लाया उसके अकॉर्डिंग चूज होते जाएगा, आप जित सीट के अकॉर्डिंग आपको चूज होगा, अगर आपका कम परसेंट है और सीट फिलअप हो गया आपको नहीं मिलेगा, जितना ज़्यादा परसेंट आपके लिए उतना अच्छा, पर 60 से 70 लाने के लिए कोशिश करो, वो अच्छा है आपके लिए। 4 बेडेड रूम के लिए कितना है बहन पूछे, तो देखो 4 बेडेड और 3 बेडेड सब सेम प्राइस लेते हैं ये लोग, मैं भी जब आया था वही सेम प्राइस बोले थे 3-4 बेडेड। 2 बेडेड के लिए प्राइस चेंज होता है, क्योंकि वहाँ AC मिलता है, आपको AC देंगे, वो AC में प्राइस ज़्यादा है, 2 बेडेड के लिए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, लाइक 1,50,000 अक्रॉस ऐसा कुछ है। और आप अगर 4 बेडेड और 3 बेडेड कुछ भी ले रहे हो, आपको 90,000 वो देना पड़ेगा आपको। और मैं एक टाइम में दिया था, क्योंकि हम लोगों का हॉस्टल बन रहा था, हमको डायरेक्ट बोल दे कि एक साथ दो नहीं तो नहीं रह पाओगे। कॉलेज बारे में एक वीडियो बनाऊँ MCA के लिए, भैया MCA के लिए हाँ ठीक है मैं बना दूंगा, ये वीडियो में बस कमेंट पढ़ के मैं दे रहा हूँ, बना दूंगा भाई, रूम में रहता हूँ तो थोड़ा दोस्तों के छुप के वीडियो बनाना पड़ता है। फिर से बोल के जा रहा हूँ, फिर से हॉस्टल में मत रहना, बहुत पछताओगे बाद में, बोलना कि भैया नहीं बोले थे, मैं बोल के जा रहा हूँ कि भाई हॉस्टल बकवास है। अभी शायद आपको स्टार्टिंग में अच्छा लग सकता है, आस्ते आस्ते इतना बोरिंग लगेगा, आपका 90,000 पानी में फेंकोगे, ऐसा लगेगा कि पापा मम्मी का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आशा करता हूँ समझ रहे होगे क्या बोलना चाहता हूँ। देखो भाई अच्छा हॉस्टल तो अच्छा है, पर आस्ते आस्ते बुरा फील हो जाएगा, मैं इसी तरह यही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, पता नहीं किसी बंदे को अच्छा लग सकता है उसका अकॉर्डिंग है। हाँ जिसको खाना वाना के लिए प्रॉब्लम होगा सोच रहे हैं तो वो हॉस्टल में रह सकते हैं, ये लास्ट में बोल दे रहा हूँ, और पीजी का वीडियो मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, जो भी चाहते हो। अभी तो एडमिशन नहीं हो रहा है भाई, एडमिशन करने के बाद आपको कॉलेज बहुत लेट में बुलाएगा, बहुत लेट, एक बार एडमिशन होगा उसके बाद 1 महीने के बाद कॉलेज बुलाएगा, तो वेट कर लो, मैं बाकी सब वीडियो भी ला रहा हूँ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, बस इतना ही बोलना था, बाय बाय। तो बाकी सब जो वीडियो था मैं रूम पे शूट किया था, तो रूम में डाल गया था, उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, ये वीडियो मैं इधर शूट कर रहा हूँ इसीलिए कि मैं वो कर करके थक गया था, अभी सो के उठा हूँ, तो जितना हो चुका मैं सबको मतलब कवर कर चुका हूँ, बाकी एक ही आई थिंक रह गया है। एक भैया बोले थे कि भाई रैगिंग होता है, नहीं भाई बहुत अच्छा कॉलेज है, रैगिंग नहीं होता है, क्योंकि बहुत प्रोटेक्शन है एक कॉलेज के, रैगिंग फ्री वाला जब एंट्री करोगे ना, एक रैगिंग फ्री वाला आपको एक एफिडेविट करके आना पड़ेगा कि खुद नहीं करोगे कि कोई करेगा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पुलिस केस हो जाएगा उसके तरफ, मतलब जो भी करेगा रैगिंग उसके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, ऐसा कुछ रूल है। तो आप आराम से आके एडमिशन लो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो भी और कुछ चाहिए तो कमेंट करो, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जल्दी चाहिए होता है, और मैं छोटा वीडियो बना के जल्दी दे दूंगा, लाइक शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोगों को जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इतना इन्फॉर्मेशन अगर मिला है और कुछ हेल्प हो रहा है तो थैंक यू बोल सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो यार प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और प्लीज़ होगा तो वीडियो को शेयर भी कर देना, बाकी दोस्तों को हेल्प हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू वीडियो इतना देखने के लिए इतना देर तक, और
आशा करता हूँ आगे भी हम लोग बने रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।